यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज हमने पैराग्राफ नंबर या पैसेज नंबर 32 को स्टडी करना है, और इसमें फर्स्ट सेंटेंस है पाकिस्तान के हवाले से। ये पैसेज है, कहते हैं कि हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, तो ये बनेगा वी आर यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूथ होता है नौजवान, ठीक है। हमें चाहिए कि मेहनत करें और पूरी दयानतदारी से अपना काम करें। चाहिए होता है शुड, ठीक है। मेहनत होता है वर्क हार्ड, और अपना काम करें डू आवर ड्यूटी होता है। बाकी होता है दयानतदारी से ऑनेस्टी, तो ये बन जाएगा वी शुड वर्क हार्ड एंड डू आवर ड्यूटीज ऑनेस्टली, ठीक है। यूं बन जाएगा वी शुड वर्क हार्ड। हमें चाहिए कि मेहनत करें और पूरी दयानतदारी से अपना काम करें एंड डू आवर ड्यूटीज ऑनेस्टली, ठीक है जी। अब इसके बाद वो कहते हैं कि अपने वतन और अहले वतन के लिए ऐसे काम करें कि जो कोई देखे हमारी तारीफ करे। वी शुड डू सच वर्क फॉर आवर नेशन, ऐसे काम होता है सच वर्क ये वाला, ठीक है। बल्कि इसको भी मैं रेड लाइन कर देता हूँ, सच वर्क ऐसे काम, ठीक है, या मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, इसको यूं कर देते हैं, ऐसे काम। इंग्लिश है सच वर्क, तो सेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि उधर से भी आपको पता चल जाए। ऐसे काम होते सच वर्क, वी शुड डू सच वर्क किसके लिए, फॉर आवर नेशन, अपने अपने अहले वतन, पहले उसने कर दी फॉर आवर नेशन एंड कंट्री, और अहले वतन के लिए, अपने वतन और अहले वतन के लिए, फॉर आवर नेशन एंड आवर कंट्री, ठीक है। दैट ताके जाके क्या होता है, दैट जो कोई देखे हमारी तारीफ करे, ये बनेगा हु एवर सीज अस शुड प्रेज अस, ठीक है। वी शुड डू सच वर्क फॉर आवर नेशन एंड कंट्री दैट हु एवर सीज अस शुड प्रेज अस, ये बन जाएगा इसका। इसके बाद कहता है वक्त आने पर अपने वतन के लिए जान की बाजी लगाने की भी परवाह ना करें। वी शुड नॉट हेजिटेट टू सैक्रीफाइस अवर लाइफ, ठीक है जी। वक्त आने पर अपने वतन के लिए जान की बाजी लगाने के लिए वी शुड नॉट बी हेजिटेंट, हेजिटेंट होता है, ठीक है, परवाह ना करना। वी शुड नॉट बी हेजिटेंट टू सैक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर अवर कंट्री, और वक्त आने पर होता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, आगे लिखा हुआ, ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि हर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, गेट रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ सैक्रीफाइस, ये हो जाएगा हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। एंड और दुश्मन के इरादों को नापाक, दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला, scatter the evil intentions of the enemy, ठीक है। और कहता है कि in this way we should prove, तो इस तरह दुनिया पर साबित करें, इस तरह होगा in this way दुनिया पर साबित करें, we should prove to the world के एक होता that पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है, और नामूसे वतन की खातर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते। दैट पाकिस्तानीज आर अ लिविंग नेशन, एक जिंदा कौम है, ठीक है, और एंड दैट और ये के वो एंड दैट दे
वतन की खातर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते, या नमो से वतन की खातर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते, दैट दे डू नॉट हेजिटेट टू मेक द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस फॉर द ऑनर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो इसकी ट्रांसलेशन है, जो हमारे जहन में ख्याल आते हैं उनको जो है इंग्लिश में हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, इस तरह हम छोटा छोटा ट्रांसलेट करते हैं करके। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछनी, ऑनलाइन ऑफलाइन पूछनी। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे।